हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वीरेंद्र एंड आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल फिनिशर्स CS&IT। चलिए स्टूडेंट, आज का सेशन शुरू करते हैं और आज के सेशन में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वोकैबुलरी के बारे में। आज हम वोकैब को पढ़ेंगे जो हमने सेशन शुरू किया था। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ वर्ड्स को डिस्कस करा था और आज हम फिर कुछ वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट वर्ड है हमारा, बहुत ईजी वर्ड है और बहुत ईजी तरीके से हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करते हुए चलेंगे और चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, सो हैव पेशेंस और बिल्कुल शांति से आराम से चीजों को सुनते चले जाइएगा, नोट करते चले जाइएगा, आपको सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का जो हम हिंट लेते हैं, आसान सा ही वर्ड है, उसी से शुरू कर लेते हैं। एक वर्ड होता है जो हमने पढ़ा है और वर्ड होता है डॉग। ठीक है, डॉग तो हम सबने पढ़ा है, नाउन होता है। ठीक है, सब जानते हैं, बहुत अच्छे से पता है कि डॉग क्या होता है। तो डॉग से ही एक और वर्ड बनता है एंड दैट इज वर्ब। डॉग का मतलब होता है किसी का पीछा करना, किसी को फॉलो करना। तो किसी को फॉलो करना, किसी का पीछा करना बनता है डॉग, यानी कि एक वर्ब बनती है। और इसी से एक और वर्ड बनता है, दैट इज डॉग्ड। क्या वर्ड है? डॉग। एक और वर्ड बनता है डॉग, और डॉग जो होता है ये होता है एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव होता है। और डॉग का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। डॉग का मतलब होता है यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल डिटरमाइंड हो, मतलब कि किसी चीज को लेकर के पक्का निश्चयी हो, पक्के निश्चयी वाले इंसान को बोलते हैं डॉग्ड। ठीक है, तो डॉग्ड बोलेगा उसको, दैट इज द डॉग्ड, वो डॉग होता है। राइट, तो ये एक वर्ड है जो हमने अभी यहाँ पर लिखा है डॉग्ड, और ये एडजेक्टिव होता है और ये इसका मतलब होता है जो पक्का निश्चयी होता है। ठीक है, जो एक बार निश्चय कर ले और उसे पक्का कर रहे, जो पूरा करे, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं डॉग्ड पर्सन, डॉग्ड पर्सनैलिटी। ठीक है, एक और इसी से वर्ड बनता है एंड दैट इज रियली वेरी नाइस वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, दैट इज डॉग टायर्ड। डॉग टायर्ड, डॉग टायर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा थका हुआ इंसान, एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ। तो बहुत ज्यादा थके हुए इंसान को बोलते हैं हम डॉग टायर्ड। क्या बोलते हैं? डॉग टायर्ड हम बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा थके हुए इंसान को हम बोलते हैं डॉग टायर्ड। तो एक वर्ड है डॉग, जिसको हमें पता होता है, डॉगी जिसको हम बोलते हैं, उसका जब हम किसी डॉग को कुछ खिला देते हैं थोड़ा बहुत, तो वो हमें फॉलो करने लग जाता है, हमारे साथ साथ चलने लग जाता है। तो डॉग वर्ब का मतलब क्या होता है? फॉलो करना, पीछे पीछे चलना। ठीक है, और डॉग फिर एक वर्ड बना डॉग, डॉग्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी भी काम को लेकर के दृढ़ निश्चयी हो, दृढ़ निश्चयी वाले इंसान को बोलते हैं डॉग्ड पर्सनैलिटी। और डॉग टायर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा थका हुआ इंसान, जब बहुत ज्यादा कोई थक जाता है तो उसे बोलते हैं ही इज डॉग टायर्ड। राइट, चलिए एक और वर्ड है एंड दैट इज द डॉगमेटिक। क्या है वर्ड? डॉगमेटिक एक वर्ड है, और डॉगमेटिक जो होता है ये एक एडजेक्टिव होता है, और डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ द डॉगमेटिक। हमें समझना है कि डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है। तो डॉगमेटिक एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा इंसान होता है, डॉगमेटिक का मतलब, जो अपने किसी एक ओपिनियन पर, यानी कि उसका कोई एक ओपिनियन है किसी बात को लेकर के, और वो उस ओपिनियन को सही माने, वो सोचे कि मेरा जो ये ओपिनियन है ये बिल्कुल सही है, और वो ये भी उम्मीद करे लोगों से कि लोग उसके इस ओपिनियन को फॉलो करें। यानी कि ऐसे आदमी को हम बोल सकते हैं इन हिंदी हठ धर्मी, मतलब कि जो अपने ही बात पर अड़ जाए और ये भी सोचे कि मेरी ही इस बात को लोग माने, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं डॉगमेटिक। ठीक है, तो डॉगमेटिक एक एडजेक्टिव होता है, और एक ऐसा इंसान होता है जो माने कि मेरी बात बिल्कुल सही है और इसी को लोग भी फॉलो करें, इसी को लोग भी माने, तो दैट इज द डॉगमेटिक। ठीक है, और इसी से एक और वर्ड बनता है डॉग बॉडी। डॉग बॉडी बनता है, और डॉग बॉडी क्या होता है? एक नाउन होता है, और डॉग बॉडी का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक ऐसा इंसान जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, और ऐसे इंसान को ऐसे काम दिए जाते हैं जो बिल्कुल फिजूल के काम होते हैं, जिसको कोई भी ना करना चाहे, तो ऐसे सारे काम उस इंसान को दिए जाते हैं जो बिल्कुल महत्वहीन होता है, जिसका कोई रोल नहीं होता उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस
संस्था में या जहां पर वो काम कर रहा है वहां पर उसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं है, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं इज अ डॉग्स बॉडी। क्या बोलते हैं? डॉग्स बॉडी बोलते हैं ऐसे इंसान को, ठीक है। तो डॉग्स बॉडी बनता है। तो ये एक कुछ एक वर्ड है जो हमने देख लेने हैं यहाँ पर। डॉग हमें पता है डॉगी होता है, डॉग होता है, और डॉग से एक वर्ड हमारा वर्ब बना, इसी को वर्ब की तरह यूज करा, यानी कि जब कोई चीज किसी को फॉलो करती है तो उसको बोलते हैं डॉग। और डॉग एक और वर्ड बना इसी से, डॉग एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है जो दृढ़ निश्चयी होता है, एक बार जो निश्चय कर ले उसे पूरा करने वाला ऐसा इंसान, तो उसे दृढ़ निश्चय को बोलते हैं डॉग। डॉग टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ, बिल्कुल एक्सट्रीमली टायर्ड, ऐसे इंसान को बोलते हैं डॉग टायर्ड। डॉगमेटिक, एक ऐसा इंसान, डिक्टेटोरियल, ऐसे इंसान को, जैसे डिक्टेटर होता है ना, डिक्टेटर होता है अपनी ही बात को सही मानना, तो उसी से ये वर्ड बनता है डॉगमेटिक, ठीक है। तो डॉगमेटिक बिल्कुल सेम, दोनों का मतलब सेम है, डिक्टेटर कहें आप या डॉगमेटिक कहें, बिल्कुल दोनों सेम है। और एक वर्ड बना डॉग्स बॉडी। डॉग्स बॉडी एक ऐसा इंसान जो महत्वहीन है और जिसको ऐसे काम दिए जाते हैं बिल्कुल फिजूल के काम, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं डॉग्स बॉडी, ठीक है। चलिए एक और नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डुप्लीसिटी। डुप्लीसिटी, और डुप्लीसिटी क्या होता है? डुप्लीसिटी होता है नाउन, ये नाउन होता है। और इसका मतलब क्या होता है? डुप्लीसिटी का मतलब आप कह सकते हैं डबल डीलिंग। क्या होता है इसका मतलब? डबल डीलिंग करना। डबल डीलिंग करने का मतलब क्या होता है? यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक ओरिजिनल चीज है, कोई एक ओरिजिनल चीज है, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर ओरिजिनल है और आपने इसका एक डुप्लीकेट बनाया और डुप्लीकेट को आपने मार्केट में बेच दिया, यानी कि कहीं ना कहीं आपने उस इंसान को चीट किया है, क्योंकि आपने ओरिजिनल चीज तो उसको दी नहीं है लेकिन उसी की कीमत में आपने उसको कोई डुप्लीकेट चीज दे दी, तो उसी को बोलते हैं डुप्लीसिटी, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? डुप्लीसिटी बोलते हैं, यानी कि डबल डीलिंग कर देना। डबल डीलिंग कर देना यानी कि किसी के साथ छल कपट कर देना, धोखा कर देना, इज कॉल्ड द डुप्लीसिटी, ठीक है। बहुत प्यारा वर्ड है डुप्लीसिटी। मतलब क्या है इसका? डबल डीलिंग, डबल डीलिंग कर देना, ठीक है, डबल डील कर देना किसी चीज की। जैसे मैंने आपको बताया ये एक मार्कर है, इसी का मैंने डुप्लीकेट बनाया, इसको तो मैंने बेचा ही बेचा, साथ में उस डुप्लीकेट को भी, डुप्लीकेट को मैंने ऐसे ही बेच दिया, तो ये चीटिंग कर दी मैंने उस इंसान के साथ कहीं ना कहीं, तो यही इसका मतलब होता है डुप्लीसिटी का। और इसी को हम बोल सकते हैं हाइपोक्रेसी, इसी को हम बोल सकते हैं, इसी का सिनोनिम आप कह सकते हैं हाइपोक्रेसी, ठीक है। हाइपोक्रेसी ये इसी का सिनोनिम हो सकता है, यूज सिनोनिम की तरह, ठीक है। तो हाइपोक्रेसी इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपको इस तरीके से शब्द याद करने हैं सारे के सारे, बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी तरीके से हम चीजों को याद कर सकते हैं। चलिए एक और वर्ड बहुत प्यारा इजी वर्ड है, देखिए कॉम्प्लेसेंट। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो ये आपने समझ लेना है कॉम्प्लेसेंट होता क्या है। एक्चुअली एक एडजेक्टिव होता है कॉम्प्लेसेंट, ठीक है, कॉम्प्लेसेंट। तो इसका हम एक हिंट बनाते हैं, इसका हम एक मेमोरी हिंट बनाते हैं, इसको याद करने का एक हम क्या बनाते हैं, हिंट बनाते हैं। और हिंट क्या है, जैसे कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट यानी कि कम में किसी की प्लेसमेंट होगी, प्लेसमेंट हो जाती है ना, कॉलेज से प्लेसमेंट होगी भाई, कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट होगी, तो किसी इंसान की, किसी बच्चे की कम पैसों में प्लेसमेंट हुई, कॉम्प्लेसेंट, ठीक है। ये हमने हिंट लिया यहां से याद करने के लिए, कॉम्प्लेसेंट को याद करने के लिए कम पैसों में प्लेसमेंट हो जाना, हिंट है कम पैसों में प्लेसमेंट, ठीक है। तो ऐसे बच्चे की कम पैसे में प्लेसमेंट होगी लेकिन फिर भी वो कैसा है, सेटिस्फाइड है, वो संतुष्ट है, तो ऐसे ही इंसान को बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट, एडजेक्टिव, ठीक है। तो सेल्फ सेटिस्फाइड, क्या बोलेंगे, सेल्फ सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेसेंट यानी कि आत्म संतुष्ट, एक ऐसा इंसान जो अपनी किसी भी बात से अपने आप में ही संतुष्ट है, तो उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेसेंट। स्टूडेंट देखिए, आपको मेरे साथ बोलना है ताकि आप अपने आप को कनेक्टेड समझें। अब वहां पर आप बैठे हैं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप एक ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, आपको इस तरीके से चीजों को समझना और मेरे साथ साथ बोलना है ताकि आपको लगे कि आप बिल्कुल लाइव क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए ये कुछ वर्ड्स जो हमने डिस्कस किए अभी, हमने डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी का मतलब होता है डबल डीलिंग, या उसी को हाइपोक्रेसी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड हमने देखा कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का एक वर्ड हमने हिंट बनाया पहले इसको याद करने के लिए, कम पैसे में प्लेसमेंट, और कम पैसे में प्लेसमेंट हुई तो आदमी कैसा है, संतुष्ट है, और वहीं से वर्ड बनता है आत्म संतुष्ट।
तो उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे एक वर्ड है डॉग्स बॉडी। इसका क्या मतलब मैंने बताया था, एक महत्वहीन इंसान जिसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं है तो डॉग्स बॉडी बोलते हैं उसे। डॉगमेटिक क्या बोलते हैं, डिक्टेटर, जैसे डिक्टेटर होता है, डिक्टोरियल होता है, तो ऐसे ही डॉगमेटिक होता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और हमने देखा कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट को आपने एक नेक्स्ट वर्ड देख लिया आप, एंड दैट इज एंटीसिपेट। ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है एंटीसिपेट, और इसी से एक और वर्ड बनता है एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन। ठीक है, एंटीसिपेशन बनता है नाउन, और इसका क्या मतलब होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, देखिए हिंट से ही याद करेंगे इसको। एक आंटी है और उसके पेट में कोई भी बात नहीं बचती, ठीक है, जो भी उसके दिमाग में आ जाता है वो बोल देती है, उसके बाद में कोई बात नहीं बचती, जो भी उसके दिमाग में आया। और वो क्या है, आंटी की क्वालिटी क्या है, वो पहले से ही चीजों को जान लेती है, पहले से उसको चीजों को पता चल जाता है, यानी कि वो चीजों को क्या कर सकती है, फोरकास्ट कर सकती है। क्या कर सकती है, फोरकास्ट कर सकती है वो चीजों को। और फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी कर देना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी कर देना किसी भी चीज की। ठीक है, तो एंटीसिपेट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, और एंटीसिपेशन का मतलब होता है भविष्यवाणी। ठीक है, तो फोरकास्ट, ठीक है, तो इसी का मतलब क्या होता है, फोरकास्ट, राइट। तो यहां से आप समझ सकते हैं, भविष्यवाणी कर देना यानी कि जो आंटी है उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती है, और जो भी उसके दिमाग में आता है, कोई भी बात उसके पास आ जाती है, तो वो उसको बोल देती है, पहले से ही बता देती है। वो कैसी बात बता देती है, यानी कि भविष्य में होने वाली बातों को बता देती है। तो फोरकास्ट कर देती है, भविष्यवाणी कर देती है, एंटीसिपेट भविष्यवाणी करना, और एंटीसिपेशन भविष्यवाणी। ठीक है, तो ये एक वर्ड हुआ हमारा। एंटीसिपेट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, एंटीसिपेट का मतलब हुआ भविष्यवाणी करना, फ्यूचर की कोई बात बता देना, एंटीसिपेट। ठीक है, उसी से एंटीसिपेशन बन गया, नाउन बन गया। ठीक है, यानी कि फोरकास्ट करना होता है। अब नेक्स्ट वर्ड पे आता हूं, नेक्स्ट वर्ड है बहुत ही आसान, सबने हमने सुना है, एंड दैट इज ईगो। ईगो हम सबने सुना है, ईगो होती है इंसान के अंदर, यानी कि उसका एक अहम होता है, उसका एक अहंकार होता है, तो उसी को ईगो बोलते हैं। और इसी से एक वर्ड बनता है, कोई एक ऐसा इंसान जो अपनी ईगो को, अपनी ईगो को बिल्कुल आगे रखे, ठीक है, तो बिल्कुल सेंटर में रखे, ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक। ठीक है, ईगोसेंट्रिक यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अहंकार जिसके अंदर हो, जिसके अंदर बहुत घमंड होता है, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक, यानी जिसके अंदर बहुत ईगो होती है, अपनी ईगो को छोड़ ही नहीं सकता, उसको बिल्कुल सेंटर में रखता है, सबसे पहले उसी को रखता है, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। और ईगोसेंट्रिक होता है हमारा एडजेक्टिव। क्या होता है, ईगोसेंट्रिक एडजेक्टिव होता है। और एक और इसी से वर्ड बनता है इगोइज्म। क्या बनता है भाई, इगोइज्म बनता है, इगोइज्म। क्या बनता है, इगोइज्म। ईगो से बना इगोसेंट्रिक, और भी काफी सारे वर्ड बनते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम देख रहे हैं। तो ईगो, इगोसेंट्रिक, इगोसेंट्रिक मतलब क्या, घमंडी। ईगो का मतलब घमंड होता है, घमंडी होता है, घमंड होता है। और इगोइज्म का मतलब होता है ईगो भाव, यानी कि अहंकार का भाव होना, अहंकार की फीलिंग होना किसी इंसान के अंदर, तो उसे बोलते हैं इगोइज्म। क्या बोलते हैं इसको, इगोइज्म। और इगोइज्म क्या होता है, इगोइज्म होता है नाउन। तो इगोइज्म नाउन बन जाता है, जिसका मतलब होता है अहंकार की भावना होना, ठीक है, द फीलिंग ऑफ ईगो, ठीक है, तो उसे इगोइज्म बोलते हैं। इगोसेंट्रिक अहंकारी इंसान के लिए बोलते हैं इगोसेंट्रिक, ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ये नाउन की तरह यूज होता है। चलिए एक नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, और नेक्स्ट वर्ड जो है वो बहुत ही आसान है, और ये है इवेसिव, इवेसिव होता है एडजेक्टिव। इवेसिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब इसको समझना है हमें, और थोड़ा सा समझने के लिए आपको इसका एक फनी सा आपको हिंट बनाना पड़ेगा, और जैसे ही वो फनी हिंट बनेगा तो ये वर्ड आपके जहन में चला जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, कोई भी बात आपने कहनी है किसी को, कोई बात कहनी है, कोई बात आपने डायरेक्ट किसी को बोलनी है, लेकिन आपको लगता है कि मैंने अगर वो बात उसको बोली डायरेक्ट तो वो नाराज हो जाएगा, तो फिर आप क्या करते हैं, उस बात को टाल मटोल कर देते हैं, घुमा फिरा के बोलते हैं, ऐसे वैसे करके बोलते हैं, है ना, ऐसे वैसे करके बोल दिया आपने, सीधा सीधा नहीं बोला, क्योंकि सीधा सीधा अगर आपने उसको बोल दिया तो उसको बुरा लग सकता है, ठीक है।
चलिए तो देखिए कैसे आपने उसको बोला, ऐसे ऐसे करके बोल दिया, यानी कि यहीं से वर्ड बन गया इवेसिव, ऐसे ही बोल दिया आपने। तो इवेसिव यानी कि आपने बात को डायरेक्ट ना बोल करके इनडायरेक्ट बोला, राइट। आपने क्या किया, बात को डायरेक्ट ना बोल करके, क्योंकि अगर आप उसे डायरेक्ट बोलेंगे तो हो सकता है उसे बुरा लग जाए, तो आपने उसे इनडायरेक्ट बोला। ऐसे ऐसे कर दिया, टाल मटोल कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टाल मटोल कर दिया, ऐसे ऐसे करके बोल देना। इसी के जैसा एक और वर्ड है और वो क्या है, यूफिमिज्म, ठीक है। यूफिमिज्म ये है वर्ड, यूफिमिज्म, ठीक है। यूफिमिज्म क्या है वर्ड, यूफिमिज्म। और यूफिमिज्म का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम यही होता है कि बात को डायरेक्ट ना कह करके एन इनडायरेक्ट वर्ड कह सकते हैं आप, या एक्सप्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। आप इनडायरेक्ट वर्ड कह सकते हैं या इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि बात को सीधा ना कह करके आपने उसको घुमा फिरा के बोल दिया, ठीक है। आपने उसको सीधा ना कह करके क्या बोला, घुमा फिरा करके बोल दिया। और यहीं पर एक सेइंग बनती है, वो कहते हैं कि भाई, वो क्या कहते हैं कि हाँ देखिए, मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने किसी को कोई ऐसी बात बोलनी है और आपको लगता है कि अगर आपने उसको ये बात बोल दी तो उस आदमी को बुरा लग जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने वो बात भी उसको बोलनी है और उसको बुरा भी ना लगे, तो फिर ये तरीका अपनाते हैं कि बात को आप सीधा ना बोल करके इनडायरेक्ट बात करते हैं, इनडायरेक्ट जाकर के घुमा घुमा के बात करते हैं और लास्ट में फिर आपको उसको बात भी बोल देते हैं, यानी कि आपने वो अपना काम भी कर दिया और उसको बुरा भी नहीं लगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं यूफेमिज्म, क्या बोलते हैं, यूफेमिज्म, ठीक है। तो यूफेमिज्म इसको बोलते हैं। एक और वर्ड है, देखिए एक और वर्ड बनता है इसी से ही, और ये देखिए क्या होता है, यूफेमिस्टिक होता है वो, यूफेमिस्टिक। यूफेमिस्टिक का मतलब क्या होता है, यूफेमिस्टिक का मतलब होता है आप एक ऐसा इंसान जिसे हम मंगल भाषित बोल सकते हैं। मंगल भाषित का मतलब क्या होता है, यानी कि वो इंसान क्या करेगा, आपसे हमेशा अच्छे अच्छे ही बात करेगा, अच्छी अच्छी लैंग्वेज में ही बात करेगा। यूफेमिज्म लैंग्वेज उसे बोल सकते हैं हम, यूफेमिस्टिक लैंग्वेज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने किसी से बात की और आपने उसकी कोई बुराई नहीं की, सब अच्छा अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बढ़िया बोला उसके बारे में, तो ऐसी लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं यूफेमिस्टिक लैंग्वेज। यानी कि वो बच्चा जो, वो इंसान जो है वो मंगल भाषित बात करता है, यानी कि कोई कुछ गलत बोलता ही नहीं है, वो हमेशा अच्छी ही बात बोलता है, और ऐसे ही इंसान को बोलते हैं यूफेमिस्टिक। क्या बोलते हैं, यूफेमिस्टिक। और ये किससे बना है, ये बना है यूफेमिज्म से। यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है, बात को सीधा ना कह करके इनडायरेक्ट कहना, ठीक है। यानी कि एन इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म या यूफेमिस्टिक। ये हमने देखा इवेसिव, बात को ऐसे वैसे टाल मटोल कर देना। इवेसिव का मतलब क्या है, बात को टाल मटोल कर देना, ऐसे वैसे बोल देना, सीधे सीधे बात ना बोलना, ठीक है। हमने देखा इगोइज्म, इगोसेंट्रिक, ईगो, ये सब ईगो से बने हुए शब्द हैं, ठीक है। ये हमने देख लिए हैं सारे के सारे। हमने एंटिसिपेट देखा, जिसका मतलब होता है जो वर्ब होती है और जिसका मतलब होता है फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना, प्री साइंस करना, बिल्कुल। इसको प्री साइंस भी बोलते हैं, ठीक है, प्री एस सी आई ई एन सी ई, प्री साइंस, ठीक है। यानी कि पहले से ही किसी चीज के बारे में बता देना, तो उसे प्री साइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्री साइंस, क्या बोलते हैं, प्री साइंस बोलते हैं। तो मेरे साथ बोलिए डॉग, डॉग, डॉग्ड, डॉग टायर्ड, डॉगमेटिक, डॉग्स बॉडी, सबके मतलब हमें पता है। चलिए डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी का मतलब होता है डबल डीलिंग, चीट कर देना किसी के साथ में, धोखा कर देना, इसी को हाइपोक्रेसी बोलते हैं। कॉम्प्लीसेंट, आत्मसंतुष्ट बोलते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड बोलते हैं। इधर आइए तो एंटिसिपेट, वर्ब मैंने बताया आपको, एंटिसिपेशन नाउन बन गया, इसी को प्री साइंस और फोरकास्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ईगो, ईगो से बना ईगोसेंट्रिक और फिर बना ईगोइज्म। इवेसिव, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म का मतलब होता है एन इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन, और यूफेमिस्टिक। तो ये शब्द हमने आज पढ़ाई किए, ये हमने याद किए, ये हमने सीखे। देखिए वर्ड मीनिंग का जब हम बात करते हैं, वर्ड मीनिंग की बात करते हैं, वोकैब की बात करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा फास्ट होने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि हम 10 मिनट में 10 वर्ड भी कर सकते हैं, 10 मिनट में 20 वर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन वो वर्ड उतने ही जल्दी हम भूल भी जाएंगे। तुम्हें बहुत ज्यादा तेज स्पीड में भागने की जरूरत नहीं है। बोलते ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो भैया हम आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से चीजें सीखेंगे, और लेकिन इनको परमानेंट पक्का करता हुआ चलेंगे, ठीक है। तो इन सारे शब्दों को आपने लिखना है, चीजों को समझना है, और इनके जो हिंट बता रहे हैं हम, उन हिंट्स को भी लिख लेना है ताकि वो चीजें आपको याद रहे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द वर्ड्स। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप अपना कमेंट सेक्शन ओपन रहता है हमारा, आप उसमें अपने कमेंट लिखिए। वी वेलकम यू विद योर ऑल द कमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। सो ऑल फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, एंजॉय।